नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज़। जेएनआई न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। गोसाईगंज ग्राम पंचायत मनाली के निशा गांव तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चलाया गया, जिसमें प्रधान जीतू रावत और आईकेआर के तहत पूरी टीम के साथ युवाओं के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत कैंडल मार्च निकाला गया। आइए देखते हैं अजय कुमार का एक रिपोर्ट। सब लोग भैया थोड़ा समेट जाओ, फोटो नहीं आ रहा, पूरा सब कटा आ रहा है। इधर आ जाओ बाबू, सब लोग पीछे कर इसका फिर आई केयर इंडिया का जो एक ये सामाजिक मिशन चल रहा है, जिसमें कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले और जो हमारे देश का युवा है उसकी ताकत को संगठित करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक उनको एक मंजिल दे सकें और साथ में उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए समाज और देश का एक निर्माण कर सकें, इसमें आई केयर इंडिया पूरी ताकत के साथ काम करने में लगा है पिछले कई वर्षों से, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में। तो ये आपका जो कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये हमारा चालू हुआ था मलौली से, जो है चालू हुआ था और मीसा गांव तक गया था, मीसा प्राथमिक विद्यालय, और वहाँ से फिर वापस हुए मलौली प्राथमिक स्कूल तक। धन्यवाद देना चाहूँगा आई केयर के साथियों को और हमारी पूरी टीम जो है मलौली की जो पूरी टीम है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, क्योंकि स्वच्छता का जो मिशन है हर क्षेत्र में चल रहा है, उसी तरह आई केयर टीम और मलौली की पूरी टीम जो लगी हुई है उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। युवाओं के प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये स्वच्छता अभियान मलौली से मीसा गांव तक चलाया गया है, और मैं यही चाहता हूँ इस पदयात्रा के माध्यम से कि हमारे युवा साथी भाई बहन जागृत हों, गांव मोहल्ले की सफाई रखें, जब सफाई रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय।